हाय, हाउ आर यू डॉन? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज 1 वीक बाद आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो मैं तो अभी सोच रही हूँ कि मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी आप सबके लिए। तो आज का वीडियो भी एक मतलब मेरा ड्रेस रिव्यू वीडियो है। तो मैं यहाँ पे मेरा इतना सारा पर्सल को मैं यहाँ पे अनबॉक्स करने वाली हूँ। इस सारे पर्सल के अंदर मेरा कपड़ा भरा हुआ है। तो गाइस, ये फर्स्ट वन है, बहुत सारा है। मैं सारे कपड़ा को यहाँ पे अनबॉक्स करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारा मेरे पास मैं ऑल टाइम यूनिक यूनिक कलेक्शन ढूंढती रहती हूँ। तो अच्छे होगा। तो चलो, मैं अब इसको पहले अनबॉक्स करती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये, कोई भी पर्सल हो यार, कोई भी कपड़ा हो, मेरा ना ये अनबॉक्स करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं जब मेरे हाथ में जब आते हैं ना, ये तो 2-3 दिन का कपड़ा है, तो मैं ना इतना कोशिश करके मैं खुद खुद को संभाल के रखी हूँ ना, कि मुझे तो लगा कि अभी मैं अनबॉक्स करके देख लेती हूँ, बट सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ आप सबके लिए, आप सब लोग भी मेरे साथ देख लो। तो ये है एक, ये ब्रा सेट है, एक कॉफी कलर की। हाय, इसका तो पैकिंग अलग है थोड़ा सा, बट कपड़ा सेम टू सेम है कि नहीं मुझे नहीं पता, देख रही हूँ। ये देखो, ये है ब्रा, ओके, कॉफी कलर की ब्रा। तो मेरा ना इस कलर की ब्रा नहीं है, था एक पहले बट वो ना खराब हो गया। तो ये वाला है, वाह, इसका क्वालिटी मस्त है। हाय, मेरा बहुत पसंद है यार ऐसे पहनने के, वाह कितना सुंदर लगेगा। बट मुझसे क्या बड़ा होगा गाइस? अब सब लोग देख के बताओ क्या मेरे साइज से बड़ा होगा कि नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, छोटा होगा कि बड़ा या सेम टू सेम होगा। मीडियम ही तो मैं ऑर्डर की, अब मुझे नहीं पता। तो ये है ब्रा, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत जितना प्राइस है ना उसमें तो मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी मिला है मेरा। और ये रहा पेंट, इसका पेंटिंग का क्वालिटी देखो यार, ये सामने का है और इसका जो ये जो है ना बेल्ट के जैसा है, बहुत सुंदर है। जब पहनूंगी ना तब बहुत कंफर्टेबल फील होगा। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला सेट, ब्रा सेट मेरा तो बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग कमेंट करके बताओ कैसे लगा। और इसका तो वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, रील्स डाल दूंगी। चलो इसको साइड करते हो। अब दूसरा यह है एक, तो इसको अब अनबॉक्स करके देखती हूँ। गाइस कमेंट करके बताओ यार, किसका ऐसे जब पर्सल आते हैं किसका मजा आता है इसको अनबॉक्स करने में? मेरा तो सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है। और मैं ना ऑल टाइम जब कुछ भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना, मैं इंतजार करती हूँ कब आएगा कब आएगा, मैं अनबॉक्स करके देखूंगी। तो इसका पैकेजिंग अच्छा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, बट ऐसा ना कभी नहीं मिला मेरा ऐसा पैकेजिंग, बट कपड़ा तो बहुत मस्त है। और ये वाला है एक टॉप्स, ये वाला मेरा मस्त लगा, इसके साथ में एक शॉर्ट है, बट वो ना अभी तक नहीं आया, वो जब आ जाएगा मैं आप सबको दिखा दूंगी, ठीक है? तो चलो इसको देखते हैं। ये ब्लैक कलर के अंदर गोल्डन कलर है, ठीक है, ये देखो, वाह यार मस्त लगेगा जब पहन के देखूंगी ना, मस्त लगेगा एकदम। पूरा इसमें ब्रा की तरह है, और नीचे देखो, वाह बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। तो ये मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ, साड़ी, वेस्टर्न, मतलब कुछ भी हो ना मैं पहन सकती हूँ। इसका क्वालिटी क्या एवरेज, मतलब चलेगा, उतना ज्यादा खासा भी नहीं है बट अच्छा है, फिर भी रख दूंगी। नेक्स्ट, तो ये वाला है एक, इसमें आई थिंक मेरा एक ब्रा है। तो चलो गाइस, अभी इसको अनबॉक्स करके देखती हूँ कैसे लगता है। मैं एक सीक्रेट बात बताओ, अगर मेरे को कोई कहे ना कि तुम कौन सी टाइप की ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो मैं बताऊंगी बिकिनी, ब्रा, इस टाइप की, क्योंकि ये ना मेरा पहनने से ज्यादा कलेक्ट करना पसंद है, ठीक है, मैं इसको खरीदना पसंद करती हूँ। ओह माय गॉड,
इसका क्वालिटी क्वालिटी यार मस्त लग रहा है तो। वाओ, इस कलर की मेरे पास नहीं है। मेरे को मेरा एक फैन ने बताया था कि आपके पास जब पिंक कलर की कोई बिकिनी है। पिंक कलर की था बट अभी नहीं है, वो मैं यूज़ नहीं करती। तो ये मेरे सामने आके मैं तो ऑर्डर करते, मस्त लग रहा है गाइस, देखो एक बार। वाह, ये बीच के किनारे या कहीं पे भी जाके फोटो शूट करो यार। ये देखो साथ में ये ऑल आए हैं, लाइक वाह, कलर तो देखो यार, अब भी लग रहा है कि अभी चुम्मा दे दूँ यार। कितना सुंदर डिजाइन किया है, लुक एट दिस गाइस, कितना सुंदर लगेगा ये। मतलब इस पिंक के अंदर ये वाला पिंक कितना कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हुआ है, बस देखो एक बार यार। तुम लोग बस इमेजिन करो कि मैं ऐसे पहन के फोटो शूट करूंगी, कितना अच्छा लगेगा। वाओ, और इसका पेंट भी, ओ माय गॉड, देखो यार स्टोन की तरह है ये वाला। मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है मेरा यार, बहुत पसंद आया ये वाला, सच में बहुत पसंद आया, लव इट। कैसे आप लोग भी बताओ, आप लोगों को कैसा लगा। और अब मैं जा रही हूँ, सबसे बड़ा जो पर्सल आया था इसके अंदर चार चार ड्रेस है। तो मैं तो ये पहले आया था 3 दिन पहले, तो मैं तो सोची थी कब मैं अनबॉक्स करूंगी, तो अब तो मौका आ गया, चलो करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, पहला आ गया ये वाला ब्रा। यार मुझे नहीं पता ये ऐसा इतना सारे पैसे लेके फिर ब्रा देते, फिर भी ऐसे पैकेजिंग करके, क्योंकि इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, बट कपड़ा तो अच्छे दे रहे हैं बट पैकेजिंग मेरा पसंद नहीं आया सच में। चलो गाइस खोल के देखते हूँ। ये एक पैडेड ब्रा है, मेरा इस टाइप के ब्रा का ना बहुत ज़रूरत था, तो अभी तो एक खरीद की हूँ और 3 4 खरीद कर लूंगी, क्योंकि ये ना जब बड़ा कोई कपड़ा पहनती हूँ, वेस्टर्न पहनती हूँ, तो मुझे जरूरत पड़ती है इसका, संभाल नहीं पाते जितना ब्रा है। ये वाला मस्त है, ये वाला भी पिंक है, पिंक के अंदर छोटा छोटा डिजाइन है, मस्त लगेगा ये वाला। जस्ट नॉर्मल पैडेड ब्रा है ये, नॉर्मल पहनने के लिए, फिर भी कोई साड़ी के साथ वीडियो तो मिल जाएगा, या कोई हॉट पैंट या कुछ भी मिल जाएगा, रील्स मिल जाएगा इसका। ये वाला मेरा क्या प्राइस के अंदर ठीक ठाक, उतना बुरा भी नहीं है। चलो इसको साइड करती हूँ। अब नेक्स्ट वन, ये वाला टॉप्स गाइस, पिंक सबसे ज्यादा तो पिंक ही मिल रहा है आज। और भी बहुत सारा बिकिनी मैं ऑलरेडी ऑर्डर करके रखी हूँ, वो ना नहीं आया यार। इसका पैकेजिंग भी यार एकदम अच्छे नहीं लग रहा है, ऐसे पैकेजिंग मेरा अच्छा नहीं लगा, वो तो अच्छे लगा था। चलो खोल के देखते हूँ क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। वाओ, ओह माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये टॉप्स का, मैं तो आज पहन लूंगी इसको। ओह माय गॉड, ये वाला टॉप्स मेरा बहुत पसंद है, देख के पसंद आ गया था, बट ब्लैक कलर के एक था वो मेरा सबसे ज्यादा पसंद है, बट वो ना मेरा साइज की नहीं था, तो पिंक ही किया। पिंक गाइस आप लोग बताओ, पिंक पहन के मेरे को कैसा लगेगा, ऐसे बहुत सुंदर लगेगा। कलर तो अच्छा है, रियल में तो बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में भी सुंदर लग रहा है, क्वालिटी भी हाँ सुंदर है, बहुत अच्छा है क्वालिटी, तो ये तो मैं रख ही दूंगी, मेरा तो बहुत पसंद है। मैं असली बात ये है कि मैं कोई ड्रेस रिटर्न नहीं करूंगी, वो क्वालिटी जैसे ही हो, क्योंकि मैं ना मतलब बिकिनी या इस टाइप की ड्रेस मैं इतना ज्यादा खरीद करती हूँ ना, सच में यार मैं एक दो बार पहन पहन के ना रख देती हूँ। और मेरा एक बहुत एक गंदी चीज़ है वो है कि ऐसा होता है कि कुछ कुछ ड्रेस ना मैं महंगा महंगा खरीद करती हूँ, जैसे कि बिकिनी होते हैं कुछ कुछ बिकिनी, बट वो ना एक दो बार पहन के ना मैं रख देती हूँ, वो ना मैं कभी ज्यादा यूज नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा पुराना जितना कपड़ा होता है ना, पुराना जो कंफर्टेबल होता है, मैं वो ज्यादा यूज करती हूँ। ये वाला तो मैं रख दूंगी, बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा है। और एक है, ये भी है बिकिनी यार, हाय हाय रब्बा यार, ऐसे क्या इस टाइप की पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं।
कपड़ा तो अच्छी मिल रहा है बट पैकेजिंग अच्छा होता है ना तो सबसे ज्यादा अच्छे लगते सच में। ये भी एक बिकिनी है, इसका कलर है ब्लू। इस टाइप की तो है, इससे पहले गोवा जाके शूट की थी ना, दो तीन है ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की। तो ये देखो, ये वाला पैडेड नहीं है बट जब पहन के दिखाऊंगी ना तब मस्त लगेगा। ये देखो, मतलब क्वालिटी देखो, क्वालिटी हाँ मस्त है, पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला तो मेरा साइज की ही अलग रहे, वाओ मस्त लगा। और ये है देखो, ये वाला पेंटी है, तो ये इसका पेंटी ना सबसे बड़ी ये चीज है कि पेंटी में ना हर कोई ड्रेस में बड़ा बड़ा पेंटी नहीं देते, इतना छोटे छोटे देते हैं ना कि वो साइज में भी नहीं होते। तुम एक दो बार पहन के फोटोशूट कर लो इसे छुपा छुपा के, इट्स ओके, बट वो ना तुम नेक्स्ट टाइम कभी पहन नहीं सकते। बट ये वाला ना मैं हर कोई कपड़ा के साथ पहन सकती हूँ, और ये इसमें ना कंफर्टेबल भी फील होगा, बट इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आई थिंक, बट पहनने के बाद इट्स ओके चलेगा। बट बहुत सुंदर है, इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत मस्त है, मस्त लगा ये वाला तो। इसका पेंटिंग मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसको साइड करती हूँ। और एक है तो ये वाला, जो इससे पहले जो वीडियो था उसके साथ जो स्पेशल ड्रेस था वो व्हाइट वाला उसके साथ है, बट ये थोड़ा सा लेट करके आया भाई। इसके साथ तो मैं बहुत सुंदर एक वीडियो शूट करने वाली हूँ और एक फोटो शूट भी करने वाली हूँ, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और यू नो गाइस, मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट, तो मैं कुछ भी व्हाइट देखती हूँ ना मेरा व्हाइट इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट फेवरेट कलर है पिंक। ओके तो चलो इसको देखती हूँ। ओ माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट गाइस यार देखो मेरी किस्मत, पहले तो पेंटी हाथ में आ जाते हैं। ये वाला है पेंटी, इसका अंदर कुछ ऐसा ही होगा आई थिंक, यस ऐसे ही होगा। ये देखो पेंटी है, और पेंटी के साथ ये गोल्डन रिंग की तरह है, चेन की तरह ये ऐसा रहेगा। वाह, जब मैं बस सोच रही हूँ यार पहनने के बाद कितना सुंदर लगेगा ये वाला, बट व्हाइट कलर यू नो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, संभाल के पहनना पड़ेगा। तो इसके साथ जो व्हाइट वाला जो था ना ऐसे कवर करने वाला वो वाला पहनूंगी तो मस्त लगेगा। और चलो इसका ब्रा दिखाती हूँ। ब्रा मतलब ये बिकिनी है, ठीक है, ये देखो ये बिकिनी है, देखो चलो चेन है ऐसा तो लटक गया, अब लटक गया है। तो मेरा ना बिकिनी ऐसे कलेक्ट करने में बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कोई भी बिकिनी पहनूं या ना पहनूं खरीद करके रख देती हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास इतना सारा बिकिनी है। बता के क्या फायदा यार, इतना सारे रील्स तो अपलोड करते हैं, अब सब लोग देखे होंगे, एक बार भी पहन लूँ फायदा तो उठ ही जाता है ना कुछ भी। चलो यार ये देखो, इसका क्वालिटी अच्छा है बट मैं प्राइस नहीं बताऊंगी, बट इसका प्राइस ना थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मुझसे तो ये लग रहा है। सारे कपड़ा का प्राइस एवरीथिंग ओके था, मतलब ओके ही था, चल रहा है, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था। बट सच कहो यार, एकदम सच कहो तो मेरा ना ये जो पिंक वाला है ना साइड में, ये पिंक वाला ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी सबसे ज्यादा अच्छा लगा। गाइस आप लोग बताओ आपका कौन सा ड्रेस पसंद आया है, और अगर हो सके यू नो मैं सारे कपड़े पहन के यूट्यूब में दिखा नहीं सकती, अगर हो सके तो मैं यहाँ पे कपड़ा पहन के दिखाऊंगी, लाइक जितना सारे आया है सारे पहन के दिखाऊंगी, तो इस वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं अभी भी ऑलरेडी बहुत सारा बिकिनी ऑलरेडी ऑर्डर करके रखी हूँ, आई थिंक 10-11 तो होगा ही होगा बिकिनी, तो वो अगर आ जाए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तब तक मेरे साथ रहना। और अगर मेरा चैनल में आप नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। ओके गाइस, बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो पे, नाउ बाय बाय।